Hey guys, welcome back to another vlog. और आज का vlog कुछ है बस पुराना सा, मतलब कि अभी जो मैंने recently vlog upload करके थोड़ा सा vlog करना start किया है. So आज का vlog basically कुछ important होने वाला है, मतलब आपको कुछ जानकारी हम provide करेंगे आज के इस video में, मतलब कि सस्ती और मस्ती हम कराएंगे आज, कराते हैं. तो आज की कहानी हम बयां करने से पहले आपको ये बता दें कि आज हम व्लॉग कर रहे हैं अपने इस कैमरे से, कॉज ऑफ इसकी सेटिंग मैंने थोड़ी सी सेट की है और देखते हैं कैसा क्या आउटपुट आता है. और फिलहाल ये घर का हैंड वॉश ख़त्म हो चुका था, तो लॉकडाउन में घर के बाहर नहीं जा सकते, तो घर पर ही रहेंगे और इसका कुछ जुगाड़ बैठाएंगे. तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना. और चलो देखते हैं क्या है आज की कहानी. चलो एक कटोरी और एक खाली डब्बा हैंड वॉश का और एक 10 रुपए का डिटॉल साबुन. कौन सा भी कलर ले सकते हैं, मतलब ब्लू रेड, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर ले सकते हैं. सो व्लॉग इस बात के लिए मैं बना रहा हूँ कि मतलब कि लॉकडाउन में हम घर के बाहर तो जा नहीं सकते, सो घर पे मतलब कि थोड़ा सा घर पे जुगाड़ बैठा सकते हैं. सो आज इस 10 रुपए के साबुन से हम बनाएंगे, ये 100 रुपए का अप्रॉक्स आता है डिटॉल, तो इसका इसमें मतलब कि देखो कैसे क्या होता है, मतलब कि इससे बनाते हैं किस तरह. सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक 10 वाला साबुन और ये खाली डब्बा, एक कटोरी बड़ी और अदरक कसने वाला, ये समझ सकते हो, और फिर एक चम्मच खाने वाला. और इसमें है गर्म पानी, तो पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म दीजिएगा, इससे कारनामा आप अच्छा कर सकते हैं. सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूँ कि इसको घर पर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कार है, बहुत अच्छा. तो सबसे पहले क्या करना है, हमको साबुन को, जैसे साबुन है इसको इस पे थोड़ा सा इस तरह से करना है, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, जैसे जिस तरह अदरक कसी जाती है इस तरह से आप साबुन को इस कटोरी में आप कस लीजिए कद्दूकस की तरह. तो देख सकते हो ये निकलेगा, इस तरह से निकल आएगा. इसको करते जाइए, पहले पूरा करिए. तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसको कस लिया है और इस तरह इसको साफ कर लीजिए. मतलब कि ये लॉकडाउन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम सीख रहे हैं घर पर. 100 रुपए का इसका आता है पूरा पैक हैंड वॉश का. सो इसको आज हम घर ही पर बना रहे हैं. 10 रुपए का साबुन इसमें सिर्फ लगाया, 10 रुपए का साबुन खरीद के लाइए, बस को अच्छे से साफ कर लीजिए, इस पर लगा ना रह जाए थोड़ा सा भी. और ये है थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब काफ़ी गर्म आप यूज़ करिएगा तभी मज़ा आएगी. और इसको इसमें डालते हैं. सो इस तरह से आप इसको भर लीजिए. इसके बाद ये देखिए मतलब कैसा हो गया कलर. और आप इसको थोड़ा सा मैश करके इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसको गैस पे दोबारा गर्म करते हैं. तो इसको स्लो एकदम गर्म करेंगे. तो आपको अगर लगे आवश्यकता अनुसार आप अपना पानी भी ऐड कर सकते हैं, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो गया है. सो देखो तो इस तरह से कुछ सीन बनने लगा है तो नीचे. सो ये देख सकते हो.
सो गाइस रेडी हो चुका है, बिल्कुल सेम टेक्सचर आया, बिल्कुल सेम टेक्सचर वैसा है जैसे कि आप हैंडवॉश में देखते हो, वैसा ही सेम टेक्सचर आया देख सकते हो। अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें समझ में आएगा कैसा क्या मतलब पूरा करना है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि आप इसको जब बॉइल करोगे जब गर्म होगा पानी तो उसको आपको काफ़ी चलाना पड़ेगा, मतलब 10 रुपये की चीज़ है, मतलब मेहनत थोड़ी आपकी लगेगी, मतलब यहाँ पे दिमाग का खेल है। और सेम टेक्सचर आया है, मतलब बिल्कुल आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अभी थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे मतलब कैसा क्या सीन है। और एक चीज़ और कि इसमें थोड़ा सा जो ये झाग आता है तो इसको और बनाने के लिए इसमें एक चीज़ और मिला सकते हैं, अभी दिखाते हैं क्या चीज़। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कि झाग जो होता है ज़्यादा बने, ज़्यादा ना मतलब जैसा कि ओरिजिनल डिटॉल का हैंड वॉश होता है उसी तरह ये तैयार हुआ है, लेकिन अगर आप क्लिनिक प्लस एक पाउच मिला दोगे ना तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो इसमें एक पाउच क्लिनिक प्लस मिलाएंगे, तो एक पाउच इसमें ऐसे डालेंगे, तो काम हो रहा है। और मतलब कि ये थोड़ा सा मुझे करना और अच्छा लग रहा है, मतलब कि हम कुछ नया कर रहे हैं और घर पर बैठे बैठे मतलब कि घर के बाहर तो जा नहीं सकते तो ऐसा कुछ सीन है। सो इसको ठंडा होने की वेट करते हैं फिर बताते हैं कैसा क्या मतलब मामला निकलता है। और सेम टेक्सचर मतलब ऐसा ही है देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो दिखाऊं कैसे, क्योंकि इसमें इतना झाग हो गया तो दिखाऊं कैसे आपको। अब बारी है इसमें भरने की, सो ये पुराना डब्बा है जो खाली हो चुका है, तो इसमें देखते हैं कैसा क्या आता है पूरा मामला। सो देख सकते हो इस तरह कुछ कहानी बनी है आज की, गर्मा गर्म हो गया है थोड़ा ज़्यादा। मतलब 10 रुपये के साबुन में इतना बन गया है कि ये पूरी बोतल भी भर चुकी है और इसमें बच भी गया है। सो इसको कहीं रख देंगे फिर इसमें फिल कर देंगे जब नेक्स्ट टाइम ख़त्म होगा। सो अभी दिखाते हैं कैसा क्या मतलब कि देख सकते हो इतना ऐसा निकला है, तो ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है, तो इसको और फिल करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो और आज का तरीका हमारा अच्छा लगा हो तो मेहनत कुछ इस तरह दिख रही है, फोकस हो जाओ, तो इस तरह कुछ मेहनत दिख रही है और इसको साफ करके रख देंगे, मतलब पूरा फिल भी हो चुका है। और 10 रुपये के सोप में आप इतना बना सकते हो, मतलब ये 200 ml का डब्बा है, 100 रुपये का इसका पैक मिलता है, इसका पाउच मतलब इसका जो कॉम्बो पैक आता है, तो ये भी फुल हो चुका है और थोड़ा सा इसमें बच गया है, तो इसको किसी चीज़ में रख देंगे यूज़ करेंगे। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और घर पे ट्राई करो, बहुत अच्छी चीज़ है, आप मतलब बिजनेस कर सकते हो, तरीका देखो हमारा बिजनेस कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, मतलब लाइक जरूर करके जाना, आपको इतनी अच्छी बात मैंने बताई है, लाइक कर देना। और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना यूट्यूबर कन्वर निखिल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।